आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा, या हो सकता है इस टॉपिक पर आपने कभी डिबेट भी की हो कि सबसे ज़्यादा सेफ कौन सा कार बॉडी टाइप होता है। मतलब कि एक SUV ज़्यादा सेफ होती है या फिर एक सेडान होती है या फिर कोई हैचबैक। अगर एक SUV और सेडान का एक्सीडेंट होता है तो कौन सी गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स ज़्यादा सेफ होंगे। इसी तरह से एक हैचबैक और सेडान का होता है या फिर हैचबैक और SUV का होता है तो किस गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स ज़्यादा सेफ होंगे। क्या छोटी गाड़ियाँ सेफ होती हैं? क्या एक भारी गाड़ी हमेशा ज़्यादा सेफ होती है एक हल्की गाड़ी से? आज से 15-20-30 साल पहले जो गाड़ियाँ आया करती थी वो काफ़ी भारी भड़कम हुआ करती थी। क्या वो गाड़ियाँ आज की मॉडर्न गाड़ियों से ज़्यादा सेफ थीं या फिर आज की मॉडर्न गाड़ियाँ ज़्यादा सेफ हैं? इसके अलावा दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर क्रैश टेस्ट में एक छोटी गाड़ी 5 out of 5 स्टार्स स्कोर करती है, उस गाड़ी का एक ऐसी बड़ी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है जिसने क्रैश टेस्ट में कम स्टार्स स्कोर किए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 3 out of 5, तो इस तरह के एक्सीडेंट में क्या छोटी गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स ज़्यादा सेफ होंगे या फिर बड़ी गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स? कुछ इसी तरह के सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। IIHS फुल फॉर्म है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाईवे सेफ्टी। ये अमेरिका का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये गाड़ियों को इवेल्युएट करता है, उनका क्रैश टेस्ट करता है ताकि कंज्यूमर्स को ये पता चल सके कि उनके लिए सबसे ज़्यादा सेफ गाड़ी कौन सी है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर इंजीनियर बैकी ने कहा था कि आज से 20-25 साल पुरानी अगर किसी बड़ी गाड़ी जिसमें मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स नहीं दिए हुए हैं, अगर उस गाड़ी का आज की किसी छोटी मॉडर्न गाड़ी से एक्सीडेंट होता है जिसमें मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि साइड एयरबैग्स, ABS EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वगैरह वगैरह, तो आज के ज़माने की छोटी गाड़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ ज़्यादा सेफ साबित होगी कंपैरेटिवली उस पुरानी बड़ी गाड़ी के। मतलब कि जो लोग ये बात कहते हैं कि पुराने ज़माने की गाड़ियाँ ज़्यादा सेफ हैं आज के ज़माने की गाड़ियों से, तो वो बात गलत है। हाँ, ये बात मानी कि पुराने ज़माने की गाड़ियाँ ज़्यादा मजबूत हुआ करती थीं आज के ज़माने की गाड़ियों से। देखिए, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पर फिजिक्स काम करती है। जब दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है जिनमें से एक बड़ी है और एक छोटी गाड़ी है, तो छोटी गाड़ी और उस गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स का ज़्यादा नुकसान होता है, उन्हें ज़्यादा चोटें लगती हैं कंपैरेटिवली बड़ी गाड़ी या फिर बड़ी गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स के। साइंस के हिसाब से जब भी कोई बड़ा या फिर एक भारी ऑब्जेक्ट छोटे या फिर हल्के ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को छोटे या फिर हल्के ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर देता है, और यही सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है उस जगह पर जहाँ पर एक बड़ी और एक छोटी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। मतलब कि एक SUV और एक सेडान का एक्सीडेंट होता है, या फिर कहें एक SUV या फिर एक हैचबैक का एक्सीडेंट होता है। जनरली SUVs, सेडान्स और स्पेशली हैचबैक्स से साइज़ में ज़्यादा बड़ी होती हैं और ज़्यादा भारी भी होती हैं। इसीलिए अगर एक SUV और हैचबैक या फिर एक SUV और सेडान का एक्सीडेंट होता है तो SUV में बैठे हुए पैसेंजर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ होंगे सेडान या फिर हैचबैक में बैठे हुए पैसेंजर्स की तुलना में। IIHS इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाईवे सेफ्टी के द्वारा की गई स्टडी में भी यही बात निकल कर सामने आती है। IIHS के हिसाब से एक्सीडेंट में आपकी डेथ होने के 28% ज़्यादा चांसेस हैं अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट किसी SUV से होता है तो। इसी तरह से अगर आपका एक्सीडेंट किसी पिकअप ट्रक से होता है तो आपकी डेथ होने के 159% चांसेस हैं। इस स्टडी में इन फैक्ट्स के अलावा ये भी बताया गया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेडान्स और हैचबैक्स हल्की होती हैं और नीचे होती हैं, जबकि SUVs भारी होती हैं और ऊंची होती हैं। इसीलिए जब एक SUV का एक्सीडेंट किसी हैचबैक या फिर सेडान से होता है तो SUV उस जगह पर टक्कर मारती है जहां पर किसी हैचबैक या फिर सेडान का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। और यही बात यहां से भी साबित होती है कि 2015 में की गई फर्टिलिटी रिसर्च के अनुसार SUVs में बैठे हुए पैसेंजर्स का फर्टिलिटी रेट सबसे कम पाया गया है। 2015 में लार्ज SUVs का फर्टिलिटी रेट था 13-14 डेथ्स पर मिलियन रजिस्टर्ड पैसेंजर व्हीकल्स, जबकि छोटी गाड़ियों का फर्टिलिटी रेट था 64 फर्टिलिटीज पर मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स। मतलब कि छोटी गाड़ियों का फर्टिलिटी रेट 4-5 गुना ज़्यादा है बड़ी गाड़ी मतलब कि SUV की फर्टिलिटी रेट के कंपैरिजन में। और यही कारण है कि आजकल बनने वाली मॉडर्न SUVs को अलग तरह से डिज़ाइन किया जाता है।
उनके बम्पर को थोड़ा नीचे बनाया जाता है। कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एसयूवी का क्रम्पल जोन टक्कर होने पर किसी सेडान या फिर हैचबैक के क्रम्पल जोन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए, ना कि उसकी अपर बॉडी के, ताकि टक्कर होने पर जो एनर्जी है वो छोटी गाड़ी के क्रम्पल जोन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लें और उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स सेफ बने रहें। लेकिन ये चेंजेस करने के बावजूद भी एक बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी के लिए डेंजरस ही है। असल में सबसे बड़ा चैलेंज होता है गाड़ी का कर्व वेट, उसका वज़न। एसयूवीज़ ज़्यादा भारी होती हैं किसी भी हैचबैक या फिर सेडान से, इसलिए ज़्यादा भारी होने का मतलब है ज़्यादा मोमेंटम, ज़्यादा मोमेंटम का मतलब है ज़्यादा लॉस। इसलिए जब एक भारी गाड़ी मतलब कि एसयूवी किसी छोटी गाड़ी या फिर सेडान से जाके टकराती है तो उस इम्पैक्ट की पूरी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर देती है। और यही कारण है कि आजकल कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी एसयूवीज़ में हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम का यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहां पर लोग एसयूवी समझकर एक क्रॉसओवर ख़रीद लेते हैं। इंडियन मार्केट में जो पॉपुलर एसयूवीज़ हैं जैसे कि विटारा ब्रीज़ा, क्रेटा, सेल्टोस, वेन्यू, नेक्सॉन, WRV, XUV300, XUV500, ये सभी एसयूवीज़ नहीं हैं, ये क्रॉसओवर्स हैं। हालांकि क्रॉसओवर्स भी ऊंची होती हैं लेकिन वज़न में काफ़ी हल्की होती हैं कंपैरेटिवली एक एसयूवी के, इसलिए टक्कर होने पर सामने वाली गाड़ी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप लोगों के चैनल ASY कार ड्राइव पर पहली बार कोई गिव अवे कॉन्टेस्ट होने वाला है। इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में 25 विनर्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उन सभी विनर्स को सिमिलर प्राइजेस दिए जाएंगे, जो कि है सोनाटा की रिस्ट वॉच, जो इस समय पर मैं पहना हुआ हूँ। इस रिस्ट वॉच की खासियत ये है कि ये मेल और फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। अब बात आती है कि इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, उसकी पूरी प्रोसीजर मैं आपको कम से कम शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना है, जिसका नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं या फिर इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। इस पेज को लाइक करने के बाद मैं आपको नीचे आकर इस पेज को रेटिंग करनी है और इसको रिव्यू करना है। रिव्यू करने में यहाँ पर आपको एक कमेंट लिखनी है। आपने अभी तक जो भी वीडियोस इस चैनल पर देखे हैं उसकी इमेज जो भी आपके दिमाग में हो, अच्छी हो या बुरी हो, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। रेटिंग और रिकमेंड करने के बाद में आपको इस पेज को शेयर करना है अपनी प्रोफाइल पर एक मैसेज के साथ में। वो मैसेज भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इस चैनल में कुछ अच्छा नज़र आता हो तो वो लिख सकते हैं, अगर कोई कमी नज़र आती हो तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को फॉलो करना है हमारा इंस्टाग्राम पेज, जिसका नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं या फिर इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सिर्फ फॉलो ही नहीं करना, हमारे चैनल के लोगों को अपलोड भी करना है अपनी प्रोफाइल पर, जो आपको हमारी फेसबुक प्रोफाइल या फिर इंस्टा प्रोफाइल दोनों ही जगह पर मिल जाएगा। इस लोगो को अपलोड करने के बाद में आपको हमारे चैनल को टैग करना है और अपने किन्हीं 5 दोस्तों को भी टैग करना है। ये सब करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाएंगे इस कॉन्टेस्ट में विनर बनने के लिए। ध्यान रहे कि आप ये सब कुछ 22nd अक्टूबर के पहले कर लें। 22nd अक्टूबर को हमारी टीम चेक करेगी आपकी प्रोफाइल को कि आपने ये सब फॉलो किया है या नहीं किया है, जो आपसे बोला गया था वो आपने किया है या नहीं। जिसने वो सब कुछ किया होगा उन सभी के नामों को लिख लिया जाएगा और उनमें से रैंडमली 100 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद इन सभी 100 लोगों के नामों की चिट को एक ट्रांसपेरेंट जार में एक साथ डाल दिया जाएगा, जिसमें से रैंडमली 25 चिट को उठाया जाएगा और उनके नामों को अनाउंस किया जाएगा 22 तारीख के बाद आने वाली वीडियो में, जिसके बाद उन सभी 25 लकी विनर्स के द्वारा बताए गए एड्रेस पर इन सभी रिस्ट वॉचेस को डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक। तो अभी तक की बातों से तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एसयूवी सबसे ज़्यादा सेफ होती है और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन कुछ मामलों में एसयूवी सबसे ज़्यादा डेंजरस भी होती है। असल में एसयूवी की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि हाईवेज़ पर एसयूवी कंपैरेटिवली उतने कंट्रोल में नहीं रहती जितना कि एक सेडान या फिर हैचबैक रहती है। किसी भी एसयूवी के पलटने के, रोल ओवर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कंपैरेटिवली किसी भी सेडान या फिर किसी भी हैचबैक से। और यही बात यहाँ से भी साबित होती है कि NHTSA नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई स्टडी में ये पाया गया
कि 486 एक्सीडेंट्स में से 14 एक्सीडेंट्स ऐसे थे जो कि गाड़ी पलटने से हुए हैं, रोल ओवर एक्सीडेंट्स थे। मतलब कि 3% के लगभग एक्सीडेंट्स रोल ओवर एक्सीडेंट्स थे। इन पलटने वाली 14 गाड़ियों में 9 गाड़ियां एसयूवी थीं जबकि 5 गाड़ियां सेडान थीं। और इन 5 सेडान्स में से भी 2 गाड़ियां सिर्फ इसलिए पलटी थीं क्योंकि उनमें एसयूवी ने टक्कर मार दी थी। तो आप देख सकते हैं कि पलटने वाली गाड़ियों में ज़्यादातर गाड़ियां एसयूवी ही हैं। और यही कारण है कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाईवे सेफ्टी रिकमेंड करता है कि आप जब कभी भी एक नई या फिर पुरानी एसयूवी खरीदें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सेफ्टी फीचर जरूर और ज़रूर होना चाहिए। तो अभी तक की बातों से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एसयूवीज ज़्यादा सेफ़ होती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सेडान्स और हैचबैक्स सेफ़ नहीं होती, हमें सिर्फ एसयूवी ही खरीदना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसी ही कई सारी स्टडीज़ में ये निकल कर सामने आया है कि एक सेडान सबसे ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है अपने पैसेंजर्स को अगर अपने ही बराबर के साइज़ की दूसरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होता है तो। और दूसरी बात ये निकल कर सामने आई है कि अगर एक एसयूवी दूसरी एसयूवी से टकराती है, मतलब अगर एक बड़ी गाड़ी अपने ही साइज़ की दूसरी बड़ी गाड़ी से टकराती है तो दोनों ही गाड़ियों का और दोनों ही गाड़ियों में बैठे हुए पैसेंजर्स का काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए इस तरह से देखा जाए तो सेडान्स ज़्यादा सेफ़ होती हैं। लेकिन अगर एक एसयूवी और सेडान का एक्सीडेंट होता है तो कुछ और ही बात निकल कर सामने आती है। और यही बात यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो में की गई स्टडी के द्वारा भी साबित होती है। सेडान्स और एसयूवीज़ की कई बार आमने सामने से टक्कर करवाने के बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो ने एनालाइज किया कि सेडान में बैठे हुए पैसेंजर्स 8% ज़्यादा नुकसान में हैं एसयूवीज़ में बैठे हुए पैसेंजर्स के कंपैरिजन में। इसी स्टडी में ये निकल कर भी सामने आया कि कभी भी किन्हीं भी दो गाड़ियों का हेड ऑन क्रैश होता है, मतलब कि अगर दो गाड़ियाँ बिल्कुल आमने सामने से टकराती हैं तो इस तरह की कंडीशन में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है कि उन दोनों गाड़ियों का बॉडी टाइप क्या है, ना कि ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन दोनों गाड़ियों ने क्रैश टेस्ट में कितना स्कोर किया था। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक सेडान या फिर एक हैचबैक जिसने क्रैश टेस्ट में 5 out of 5 स्कोर किया था, वो एक एसयूवी से टकराती है जिसने क्रैश टेस्ट में कम स्कोर किया था, मान लीजिए 2 out of 5 या फिर 3 out of 5, तो ज़्यादा नुकसान इस कंडीशन में भी उस हैचबैक या फिर सेडान को ही होगा, ना कि एसयूवी को। इसीलिए इस तरह के एक्सीडेंट्स में बॉडी टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सेफ्टी रेटिंग्स के कंपैरिजन में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सेफ्टी रेटिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती। सेफ्टी रेटिंग्स की वैल्यू अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी गाड़ी को अच्छी से अच्छी सेफ्टी रेटिंग मिली होगी तो किसी भी तरह के एक्सीडेंट में आपके बच निकलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। और यही बात IIHS के प्रेसिडेंट मिस्टर एड्रियन ने भी कही थी। इनका सरनेम मैं नहीं बोलूँगा, बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। कि किसी भी गाड़ी की क्रैश टेस्ट रेटिंग को उसी साइज़ की दूसरी गाड़ी की क्रैश टेस्ट रेटिंग से तो कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन उससे छोटी या फिर उससे बड़ी गाड़ी की क्रैश टेस्ट रेटिंग से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई हैचबैक हो, सेडान हो या फिर कोई एसयूवी हो, छोटी गाड़ी हो या फिर कोई बड़ी गाड़ी हो, अपनी जगह पूरी सेफ्टी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर किसी भी छोटी गाड़ी का एक्सीडेंट किसी बड़ी गाड़ी से होता है तो यकीनन छोटी गाड़ी और उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स को ही ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए किसी भी गाड़ी का सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है उसका ड्राइवर। इसीलिए हमेशा अलर्ट रहें, सीट बेल्ट ज़रूर पहनें और हमेशा ऐसी गाड़ी खरीदें जिसकी सेफ्टी रेटिंग अच्छी हो और जिसमें फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हों। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप एक हैचबैक चलाते हैं, सेडान चलाते हैं या फिर कोई एसयूवी चलाते हैं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।